खैर रही बात आपके सवालों की, प्रियंका भारती जी जवाब दीजिए। अब तो आज विजय सिन्हा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा एक पर्चा दिखाया है, सबूत दिए हैं। फिर आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ प्रियंका भारती जी, और तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आया है जिसका नाम आप कल लेने में बच रही थी, उस पर कुछ बोलिएगा। प्राची जी आपको याद होगा, एक सेकंड रुक जाइए, आ रही हूँ। प्राची जी आपको याद होगा कल जब आपके साथ मैं शो में थी, अब मैंने एक बात वहां पर बोली थी आपसे, क्या पता है कल को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, इसका भी पेपर लीक ना हुआ था, मैंने कल ही के शो में आपको बोला था, और आपको शाम में देखने को मिल गया होगा कि वहां भी पेपर कैंसिल हो गया। रही बात विजय सिन्हा जी की, तो विजय सिन्हा जी ऐसे नेता हैं जो लगातार अपना बयान देते हैं, बयान से पलटते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने शायद कभी पेपर दिया नहीं, इसलिए वो पेपर देने का जो लीक हो जाता है उसका दर्द वो नहीं समझेंगे। रही भाजपा नेताओं की बात, भाजपा नेताओं के बच्चे खाए पिए अघाए लोग हैं, बहुजन नहीं है, दलित पिछड़े पिछड़े वंचित तबके के नहीं है, ये लोग पढ़ते हैं विदेशों में, इनको नहीं लग सकता। अभी कह रही थी कि बच्चों को भड़का दिया, मालूम है अभी। अरे प्रियंका जी चलिए, आप लोग पर्सनल अटैक में फंस जाएंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए सवाल और उन सवालों के जवाब। ठीक है प्रियंका भारती जी आप कह सकती हैं, लेकिन प्रीतम का नाम कल भी आपसे पूछ रही थी, आज भी आपसे पूछ रही हूँ कि ये प्रीतम कौन है जिसके इशारे पर गेस्ट हाउस बुक हुआ है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। चारू जी देखिए इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए, मैं बात कर रही हूँ, मर्यादित भाषा में रहिए और कम से कम दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। बोलिए, आप जो सवाल कर रही हैं प्राची जी, मैं वही कह रही हूँ कि देखिए हम तो सरकार में है नहीं, हम है विपक्ष में, सरकार वो है, जांच एजेंसियां उनके अंदर आती हैं, तो उनको नहीं खोजता है कि जहाँ भी लूपहोल्स में है वहाँ जांच करवाएं और पता लगे कि कौन। अनुराग भदौरिया जी, प्राची जी बस 10 सेकंड एक सेकंड रुक जाइए, मुझे अनुराग भदौरिया जी के पास भी जाना है, लेकिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अब इस पूरे मसले पर, क्योंकि राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए, सुनवाते हैं। पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं, इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं इनका उपयोग किया जा सके जनता के बीच में प्रचार या यूं कहें भ्रम फैलाने के लिए, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महोदय अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं? उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर, तो आपने सुना नीट को लेकर और जो कांग्रेस ने आज सवाल किए हैं उसको लेकर जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आइए अनुराग भदौरिया जी, सवाल तो आज विपक्ष पूछेगा और आप लोग सवाल पूछ भी रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी कह रही है या जो सत्ता पक्ष या जो जांच एजेंसियां कह रही है वो ये कि भाई गड़बड़ी तो हुई और बिहार का परफेक्ट एग्जाम्पल जहां तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसपे देश का विश्वास उठ चुका है, झूठी पार्टी है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, दोष विपक्ष पे है। जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा था तब भी विपक्ष दोषी था, जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तब भी विपक्ष दोषी था, महंगाई जब बढ़ रही थी तब भी विपक्ष दोषी था, हथरस की बेटी का अन्याय हुआ था तब भी विपक्ष दोषी था। कमाल है भैया, विपक्ष दोषी होगा, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बेशर्मी से बात कर रही है, उनको पता है। मैं आपको चार लाइन सुना दूं, माँ बाप की दुआएं थी, ऊपर वालों का करम था, वो टॉप करेंगे इस बार, बेचारे बच्चों को भरम था, हर बार वही झंझट हर बार वही कहानी, बच्चों की मेहनत पर फिर देखो फिर गया पानी, झूठों की ये सरकार कहती थी सब ठीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हो गया, बचपन गया भविष्य गया, किस मुंह से माँ से बोलूं कि माँ, फिर से पर्चा लीक हो गया। सवाल है, चारू जी बोलने दीजिए उनको, देखिए बड़े धैर्य के साथ, अगर आप उनकी बड़े धैर्य के साथ, बड़े धैर्य के साथ चारू जी, अनुराग जी ने आपकी बात को सुना था तो कम से कम उनकी बात को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी आप जवाब दीजिएगा। आवाज कम कीजिए ना, धैर्य के साथ
तो सुना था। अनुराग जी बोलिए ना, अब आप ये बताने लगेंगे मुझे कैसे शो कंडक्ट करना है, वो छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आइए। आवाज बंद कीजिए ना, हिम्मत जुटाइए। मुझ में बहुत हिम्मत है, मुझसे मत उलझिए जी, अभी आप बात करिए स्टूडेंट्स की दिक्कत। अरे अरे बस यही हिम्मत, ये इतनी है कि आप अभी तक 18 मिनट बाद आए, इतनी तो हिम्मत आप में। अब आप मुझे बोल सत्ता पक्ष से सवाल करना जरूरी था। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है। अरे सत्ता पक्ष से जवाब आपको मिला है कभी क्या? सत्ता पक्ष तो बोलिए ना, आप ही जवाब दीजिए। कौन है सत्ता में? भारतीय जनता पार्टी अलमत में कभी भी गिर जाएगी, इसको सत्ता पक्ष में कहां बोलते हैं आप? ये सत्ता पक्ष लायक है क्या? अच्छा बोलिए ना सर, बात बोलिए। बोलते बताइए, अभी विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार पर्चा लीक हो रहा है, चाहे नीट का हो, चाहे नीट का हो, और चाहे यहाँ पे क्लास 12 का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, हर रोज पर्चा लीक हो रहा है, चाहे यहाँ पुलिस भर्ती का हो। कौन ऐसा पर्चा जो लीक नहीं हो रहा है? किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे? पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ जिम्मेदार कौन? क्लास 12 का पर्चा लीक हुआ जिम्मेदार कौन? नीट का पर्चा लीक हुआ कौन? नेट का लीक हुआ कौन? अरे यार लगातार परीक्षा पे परीक्षा हो रही है, लोग सात साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद वो बेचारे किस मुंह से जाके बोलेंगे अपनी माँ को, माँ फिर पर्चा लीक हो गया? किस मुंह से जाएंगे? पैसा कैसे खर्च करता है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा? आपको नहीं पता है वो कैसे 1-2 लाख रुपए साल भर कोचिंग के लिए खर्च करता है? इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलता है? ये सोचिए कितना दर्द है, और इस दर्द को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही। जनता ने हराया फिर भी नहीं समझ रहे, जनता वोट के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरा रही। क्यों हरा रही है, क्यों हराया, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे।